आरक्षण की सिफारिश कोरी सियासत है या फिर पिछड़ों को आगे लाने की जमीनी कोशिश, ये मामला सियासी गलियों में फंसकर और भी उलझ गया है। पूरे देश को झकझोर देने वाले इस मामले में भाजपा मुखर हुई, लेकिन देर से। मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने पिछड़ों की रहनुमाई का ताज पहनने की कोशिश में आरक्षण की सिफारिश कर दी। जोशी ऐसे मामले को सामाजिक बंटवारा मानते हैं। आरक्षण जैसे मसले पर आपका दृष्टिकोण? आरक्षण इसीलिए संविधान में रखा गया था कि हमें सारे समाज को एक साथ लेकर चलना। तो जैसे हालात पैदा हुए अभी आरक्षण को लेकर, उस पर आप सही मानते हैं? नहीं, उसमें तो ये तो विभाजन की तरफ बढ़ा दिया ना इन्होंने। आरक्षण को इस प्रकार से इसका क्रियान्वयन होना चाहिए कि समाज के सब लोग सहभागी बने और सहजता से उसको लें। फिर कोई राजनीतिक पार्टियों ने उन बच्चों का, डॉक्टरों का समर्थन क्यों नहीं किया? अगर आप गौर से देखें तो इसमें अधिकांश जो शुरुआत हुई वो डॉक्टरों के द्वारा हुई, लेकिन आईटी और टेक्निकल इंजीनियरिंग वालों ने क्यों नहीं किया? बहुत बाद में वो उनके समर्थन में आए एक भाईचारे की दृष्टि से। उसका कारण ये था कि मैंने इंजीनियरिंग में, आईटी में और आपके आईआईएम्स में व्यावसायिक शिक्षाओं की इतनी वो कर दी थी, सीटों की संख्या कर दी थी कि आज भी सीट खाली पड़ी है। आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात करके कांग्रेस ने इस आग को कुछ ठंडा करने की कोशिश की है, लेकिन भाजपा का साफ मानना है कि ये पिछड़ों से ज्यादा वोट बैंक की चिंता का फॉर्मूला है। क्रीमी लेयर को अलग रख के बात क्रीमी लेयर तो हाँ, वो तो ऐसा है ना कि मैं जो आपने कोई फायदा निकलने वाला हाँ, उसमें ऐसा है कि जब तक आरक्षण के क्रियान्वयन पर ये व्यवस्था नहीं की जाएगी कि वो निचले स्तर तक पहुंचे, अगर ये नीचे तक नहीं पहुंचेगा तो फिर ये एक नए वर्ग का जन्म दे देगा जो आरक्षण के नाम पर सब चीज़ों पर कब्जा करेगा। चाहिए लेकिन उसमें राजनीति करके और उसके आधार पर अपने वोट बैंक को बढ़ाना ये अनुचित है। आरक्षण मुद्दा ही नहीं, इस देश की अखंडता की बुनियाद भी है। एक वर्ग को आगे करने की हिमायत कहीं सामाजिक खाई न बन जाए, इस बात पर गौर करना बेहद जरूरी है। केंद्र और यूपी में सत्ता के लिए छटपट आ रही भाजपा कांग्रेस के हर फैसले को गलत ठहराकर विपक्ष का धर्म निभा रही है, मगर मुरली मनोहर जोशी हर मामले में यूपीए सरकार को कमतर आंकते हैं और भाजपा के पुरातन मुद्दों को संजीवनी की तरह पेश करते हैं। तेल कीमतों से लेकर लाभ के पदों के मामले में कांग्रेस का पुरजोर विरोध भाजपा का सियासी धर्म है। मुरली मनोहर जोशी भाजपा के सत्ता में आने को लेकर भले ही साफ ना हो, लेकिन वो कांग्रेस को बदहाल मानते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि क्या जनता एक और मौका कांग्रेस को देगी? क्योंकि अभी पिछले दिनों में देखा जाए तो अभी जैसे तेल की कीमतों के बढ़ने पर बवाल मचा, फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे इशू हुआ, तो क्या सरकार हर चीज को अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश कर रही है? आप इस किस नजरे से देखते हैं? जैसे अब तेल की कीमतों को रोल बैक किया गया जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उस पर। देखिए, ये सब तो पाखंड है। तेल की कीमतें क्यों बढ़ी, किस आधार पर बढ़ी, पहले इसका सरकार ने खुलासा करना चाहिए। बजट से पहले ये पूछा गया था संसद में कि भाई आजकल अंतर्राष्ट्रीय दाम कम है तो आपका दाम घटाएंगे। तब ये जवाब दिया गया सरकार की तरफ से कि भाई अभी हमने रंगराजन समिति बनाई है जो इन मानदंडों का निर्धारण करेगी जिसके आधार पर तेलों का मूल्य निर्धारण किया गया। रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें कुछ सिफारिशें की गई, अभी सरकार ने उनको अधिकृत रूप से प्रकाशित नहीं किया। आप अपनी गैस का 90% यहीं इसी देश में उत्पादन कर रहे हैं, केवल 10% बाहर से ला रहे हैं। आप उस 10% की कीमत पर इस 90% की कीमत भी निर्धारित कर रहे हैं। आप डीजल 100% अपने देश का आप तो निर्यात भी कर रहे हैं, निर्यात भी कर रहे हैं, मगर दाम यहाँ नहीं घटा रहे हैं। दाम आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान करके ही चल रहे हैं और जिसको निर्यात कर रहे हैं उसके दाम बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि निर्यात भी आप कोई बहुत ऊंचे दाम पर कर रहे हो सब। तो ये जो इस प्रकार की विसंगतियां हैं, अब सामान्य जनता को ये सब पेच मालूम नहीं होता। हजारों करोड़ रुपया इसके माध्यम से, इस टैक्सेशन और इस मूल्य निर्धारण की नीति के हिसाब से सरकार अपने खजाने में भर रही है। यूपीए सरकार के तमाम जनहित के फैसलों पर भाजपा ने कमजोर विपक्ष की भूमिका निभाई। संसद में माना जाता है कि विपक्ष का किरदार वाम दलों ने संभाल रखा है। इस मोर्चे पर जोशी सिद्धांतों की दुहाई देते हैं। लोग भी ऐसा महसूस कर रहे हैं और मीडिया में भी ये बातें बार बार जो उठ रही हैं कि कहीं विपक्ष की भूमिका लेफ्ट निभाती नजर आ रही है और भाजपा वो भूमिका नहीं निभा रही है जो लेफ्ट जो निभाना चाहिए विपक्ष। देखिए, ऐसा है कि हमारी भूमिका और वामपंथियों की भूमिका में हमेशा अंतर रहता है।
हम एक राष्ट्रीय व्यापक दृष्टिकोण से देश की एकता और अखंडता की दृष्टिकोण से काम करते हैं, इसलिए हमारे तौर तरीके उनके तौर तरीकों से अलग होंगे। जैसे वो ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में हफ्ते भर के लिए रेल बंद करा देंगे, हम नहीं करेंगे। हालांकि हमारा मजदूर, हमसे जो मित्र, हमारा मित्र मजदूर संगठन है वो देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारे तरीके और उनके तरीकों में बहुत अंतर है। एनीवेज, अगर हम बात करें जो भाजपा है, चाल चरित्र इन सब की बात करती है, तो जाहिर सी बात है आपने कहा कि जो अनुशासन को फॉलो नहीं करेगा उसके लिए भाजपा में कोई जगह नहीं है, लेकिन क्या कहीं किसी तरह से कोई प्रभाव पड़ा अगर उमा भारती और खुराना जैसे नेता अलग हुए? देखिए, ये तो मैंने कहा कि मैं ऐसे प्रश्नों पर जो पार्टी के आंतरिक कार्यकलापों से संबंधित हैं मैं सार्वजनिक चर्चा नहीं करता, वो तो उचित मंच पर और उचित स्थान पर ही हम उस पर चर्चा करते हैं। मुरली मनोहर जोशी भाजपा के दिग्गज नेता हैं, लेकिन यूपी में भाजपा का कद बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी सियासी कोशिशों को जारी रखना होगा। मुरली मनोहर जोशी की सियासी तान और उनका जोश भाजपा के लिए आगामी चुनाव में कितना फायदेमंद हो सकेगा, और इलाहाबाद की जनता के लिए जोशी का सियासी वजूद कितना सहज हो पाता है, जनता के साथ हमें भी रहेगा इसका इंतजार। आपका नेता में आज बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।